सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदिना अली व सैयदातिना फातिमा व सैयदातिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन अलैहि सलाम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। ख़वातीनो हज़रात, सलाम शहदाए करबला खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस ज़ात पाक, जिस हस्ती का तस्करा है, हम और आप उन्हें जनाबे बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानते हैं। जो किरदार जनाबे बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने बाद अस करबला निभाया, वो अपनी मिसाल आप है। बीबी की शान हमारी क्या ज़ात व औकात के हम कुछ बयान कर सकें, मगर कुछ अशआर की सूरत में किस तरह से जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा अपना तस्करा कर रही हैं, बता रही हैं कि मैं कौन हूँ, आपके सामने बयान करूँगी कि बहन हुसैन की हूँ, बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, अमीन राज मशीयत हूँ, नाम ज़ैनब है, मैं अपने बाप की जीनत हूँ, नाम ज़ैनब है, पैगंबरों की अकामत हूँ, नाम ज़ैनब है, नमाज सब्र की नियत हूँ, नाम ज़ैनब है, यजीद तेरी कहानी मिटा के दम लूँगी, मैं तेरे घर में सफ़े गम बिछा के दम लूँगी, बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, और इली ने पैकरे गाजी में मुझको ढाला है, नबी की लाडली बेटी ने मुझको पाला है, तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तेरा वजूद निजस अब बिखरने वाला है, और दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में, हमारी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में, हुसैनियत को मिटा दे ये दम कहाँ तुझ में, बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में, गमे हुसैन को मैं इस तरह संभालूंगी, मैं उसको ओन मोहम्मद की तरह पालूंगी, बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, और मैं अपनी आह से खींचूँ जो गैब की दीवार। वो लोग जो ये समझते हैं कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं था, उनको क्या बता रही हैं बीबी कि मैं अपनी आह से खींचूं जो गैब की दीवार, तो एक कदम भी ना बढ़ पाए लश्करे कुफार, नज़र में फिरने लगे मेरे भाई की तलवार, बस एक लम्हे में हो जाए मौत का दीदार, दलेर भाई का किरदार बन के आई हूँ, मैं करबला में अलमदार बन के आई हूँ, मेरे ख्याम जला कर न खुद पे इतराना, सरों से छीन के चादर न खुद पे इतराना, और महल को अपने सजा कर न खुद पे इतराना, ए गलतियों के मुकद्दर न खुद पे इतराना, जो काम सौंपा है शहने वो काम कर दूंगी, मैं आज से तेरा जीना हराम कर दूंगी, जो वादा मैंने किया है उससे निभाऊंगी, हुसैनियत के दिए खूबखू जलाऊंगी, हुसैन कत्ल हुए क्यों ये मैं बताऊंगी, मैं अपने खुतबों से वो इनकलाब लाऊंगी, तो एक लम्हे में जिस दिन निगाह चूकेगा तेरा ही बेटा हकूमत पे तेरी थूकेगा। ख़वातीनो हज़रात, असरे आशूर अपने भाई के खून में डूबा हुआ परचम इस्लाम जिस बीबी ने अपने हाथ में थामा, तारीख उनको जनाबे बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानती है। वो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसका आगाज़ करबल के मैदान से शुरू हुआ, उसको इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए जो सफ़र का आगाज़ किया जनाबे बीबी ज़ैनब आलिया ने, अपने आज के इस प्रोग्राम में हम उसी सफ़र का ज़िक्र करेंगे। आइए तारुफ करवाऊँ हमारे जो आज की मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद
मोहतरमा सैयदा ज़ियाबतुल साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं प्रोफेसर नौरीद फातिमा साहिबा, आपका शुक्रिया आपकी आमद का। ख़वातीन हज़रात, सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर हमारी एक बहन मौजूद हैं आयशा बतूल साहिबा, अपनी अकीदत का नजराना पेश करेंगी। जज़ाकल्लाह आपकी आमद का। गुफ्तगू का आगाज़ सैयदा ज़ियाबतुल साहिबा आपसे करना चाहूँगी कि करबल के मैदान में जब तमाम कुर्बानियाँ असर की अजान तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे चुके, उसके बाद एक बहुत बड़ा मरहला, अब जनाब बीवी ज़ैनब आलिया अलम्बरदार हैं, अब उन्होंने वो अलम उठाया है जिसको लेके आगे बढ़ना है, बहुत मुश्किल बहुत कठिन सफ़र है, क्या फरमाएंगी? नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर हमद सना है खालिक कायनात के लिए और तमाम तर दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम, उनके अहले बैते अथार, खुसूसन तमाम शहदाए करबला, शाह शहीदाने करबला, इमाम आली मकाम पर और असीराने करबला पर। कैसा मुश्किल मंजर है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना से निकले हैं तो उस वक्त अब्बास भी साथ हैं, अली अकबर हैं, जनाब कासिम हैं। वो मंजिलें शायद आसान होंगी, लेकिन सलाम हो जनाब ज़ैनब आलिया पर कि उनकी ज़िम्मेदारी किस मुश्किल में है कि इस वक्त ना आनो मोहम्मद हैं, ना जनाब अली अकबर व असगर हैं, ना शहज़ादा कासिम हैं और ना वो भाई हुसैन हैं। कोई बाकी नहीं बचा है, जनाब ज़ैनब आलिया हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं और फिर वो भतीजा है बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमामत की तफसीर है, जिसकी हिफाजत, जिसकी निगहबानी अब जनाब ज़ैनब आलिया के सुपुर्द है। वो एक अजीब मंजर था कि जब हर तरफ बच्चे जो हैं वो सहमे हुए बैठे थे, बेवाएँ अपनी अपनी गोद और अपने अपने सुहाग को रो रही थीं और बीबी से कुछ दूर वो टिल्ला ज़ैनबिया से कुछ दूर वो तमाम सर जो हैं और वो तमाम बेगोरो कफन लाशें जो हैं वो रेगे करबला पे पड़े थे, तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की उस अजीम साहबजादी को लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उन पर, उनका हौसला और उनकी हिम्मत देखिए कि अपनी बहन बीबी उम्मे कुलसुम से कहती हैं कि बहन अब ये खेमों से औरतों को बाहर निकालें, जब क्योंकि ख़याम हुसैनी को आग लगाई गई, इसीलिए हमें यजीदियत का चेहरा जो है वो बार बार बेनकाब करना पड़ता है कि सिर्फ मर्दों की शहादत पे बस नहीं की, उन लइनों की फ़ौज ने फिर ख़याम हुसैनी को आग लगाई। जब आग लगाई तो बीबी ज़ैनब आलिया के किरदार में अतात उस वक्त कैसे नज़र आती है कि बीबी जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शाना हिलाकर पूछती हैं कि बेटा वक्त के इमाम हैं, अब क्या हुक्म है हमारे लिए, क्या खेमों में जल के मर जाएँ या बाहर निकल जाएं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि आप खेमों से बाहर निकल जाएं, जान का बचाना वाजिब है। बिल्कुल। बीबी ने गर्ज यह कि तमाम बच्चे वहाँ जमा किए और फिर हमीद बिन मुस्लिम जो मौर्रख था यजीदी फ़ौज का, वो लिखता है कि मैंने देखा उस खातून को कि जो अपनी पुश्त पर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाकर बाहर लाई, तो अब ये देखें वो महाफिजा हैं, इनको ऐसे ही जैनब नहीं कहते, जीनत अब यानी बाप की जीनत, जनाब अली मुर्तज़ा की जीनत थी और अब कैसे सुन्नत को पूरा कर रही हैं। याद करें वो शब हिजरत का बिस्तर जब अली मुर्तज़ा उस बिस्तर पर सोए थे और रिसालत की हिफाजत की थी और जब जनाब अबू तालिब जो हैं वो जनाब रसूल खुदा की हिफाजत करते थे, वैसे ही अब ये महाफिज बन गई हैं इमामत की और इन्होंने लाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वहाँ लिटाया और फिर अपने एक जले हुए खेमे की लकड़ी उठाकर उन तमाम भतीजों को, उन यतीमों को, मिस्कीनों को, उन बेवाओं को जमा करके उनका पहरा दे रही हैं और इस शान से पहरा दे रही हैं कि अशकिया में से किसी की जुर्रत नहीं हुई उस तारीकी में भी कि जो उस चोबे खेमा से लकीर बिनते मुर्तज़ा ने खींची थी उसको कोई पार कर सकता, तो उस वक्त वो अली बन गई, उस वक्त वो जो मुश्किल कुशा की बेटी मुश्किल कुशा बन गई। सुभान अल्लाह। बहुत ही अहम किरदार, इस कदर अहम किरदार है कि इस किरदार ज़ैनबी से ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो दुश्मनाने अहले बैत हैं, ये कोई भी दौर हो, कोई भी वक्त हो, इन्होंने भी अपना जो काम है या सरगर्मियाँ हैं ये पीछे नहीं हटते, क्या फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया। अरूज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। किसी ने मेरे जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा था, हदीस इश्क दो बावस्त करबला दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब।
सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा। तारीख़ ने आज के दिन तक जितने अलकाब व आदाब आपकी शान में हम तक पहुँचाए, सही, लुगत में जितने भी आपके किरदार को वाज़े करने के लिए और आपके सिफात के औजे कमाल को बयान करने के लिए इस्तिलाहात बयान की गई, मैं समझती हूँ उन तमाम को भी अगर जमा कर लिया जाए तो ये इतना बड़ा किरदार है कि इनके किरदार की एक सिफत और एक जिहत को भी बयान नहीं किया जा सकता। और आपने कितनी खूबसूरत बात की कि आपकी ज़ात सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं, राह अजीमत के हर उस राही के लिए जो अपने आप को हुसैनी काफ़िले का पैरोकार कहता है, वो बादस हुसैन जो सालार काफ़िला है, जिनको इमाम वक्त अपनी फूफी जान को जो है वो उस वक्त में अपने साथ लेकर चल रहे हैं एक सालार और एक कंपेनियन के तौर पर, इमाम वो है मगर सालार अभी क्या कहने। तो इनके लिए मैं सबसे पहले तो दुरूद पेश करूंगी कि हरदम दुरूद आप पर खातून करबला सालारे गाजियां को हमारा सलाम हो, और लाखों सलाम आपके इशारो सब्र पर इतरत की पासबाँ को हमारा सलाम हो। और ये वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जहाँ मर्दों के पित्ते पानी हो गए, जहाँ सब्र अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया, जहाँ इस्तिकलाल के खुद पाँव के अंदर लग्जिश महसूस हुई, ये उस तरह टिल्ला ज़ैनबिया पर डट कर खड़ी आने वाले हर शख्स को ये पैगाम दे रही हैं कि ये है सिरात मुस्तकीम, जिस पर इस्तिकामत के साथ तुम हमें सिन्फ़ नाजुक कहते हो ना, हमारे अज़्म वो आहनी अज़्म है कि हम आने वाले हर दौर को बता देंगे कि जो जो मज़ालिम मदीना मुनव्वरा से करबला तक किए गए और जो आज के बाद दोबारा मदीना पलटने तक हम पर किए जाएंगे। जैसे आपने बात की कि जो उस दौर के अंदर भी इन जो है वो मजालिम को तोड़ने वाले खुद और फिर खुद रोकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर इनका रुख पलटने वाले और वो मुअर्रखीन जो पेड मुअर्रखीन थे जो लिखने वाले थे उन्होंने भी कोशिश की जो मजालिम तोड़े गए उनको मिनिमाइज किया जाए। अब आप मुझे बताइए एक लम्हे के लिए हर मुसलमान जो इनके कलमे का मकरूज है वो ये सोचे और ये महसूस करने की चीज़ है, हाल की चीज़ काल में नहीं आ सकती, मैं कोई जुमला नहीं ला सकती इसके ऊपर कि उस वक्त में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र को, उनकी इस्तकामत को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को और उनकी उस दीन के लिए कुर्बानियों को आप किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। बेशक और गवाह है जुर्रत पे तेरी करबला की जमीन, करबला गवाही देता है उनकी जुर्रत की के गवाह है जुर्रत पे तेरी करबला की ज़मीं, इमाम वक्त को की तूने सब्र की तलकीन, लुटा के अपनी कमाई बचा के दौलतें दी, बुझा के शम तमन्ना जला के शम यकीन, सकून व सब्र की कायनात लेके चली, अजल की गोद से निकली हयात लेके चली, जिगर पे अकबर व कासिम के दाग उठाए हुए, ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गैरानी रसनो तौक आजमाए हुए, जो दर्द दिल में था उसी को दवा बनाए हुए, सुए दमिश्क चली हक की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी जिंदगी लेकर, कदम कदम पे मकासिद की अजमतों का ख्याल, नफस नफस में भतीजे की जिंदगी का सवाल, रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों का कमाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल, नकीबे फतहे शहे मशरकैन बन के उठी, नकीब फतहे शहे मशरकैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। सलाम शहदाए करबला, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सलाम शहदाए करबला, सलाम बीबी ज़ैनब आलिया। ख़वातीन हज़रात कुछ अशार के कर दिया भाई के मकसद को नुमाया जिसने,
सदके कुर्बान जाएं, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की उन तमाम खिदमात पे और उनके किरदार पे कर दिया भाई के मकसद को नुमाया जिसने, दे दिया अश्कों को सरमाया तूफान जिसने, जुल्म का चाक किया जेगो गिरेबां जिसने, कुफ्र को कर दिया बाजार में उरियां जिसने, चादरें छीनने वालों का भरम खोल दिया, अपने अजदाद की अजमत का अलम खोल दिया, गुजरी कांटों से मगर फूल बिछा कर गुजरी, हक किसे कहते हैं दुनिया को बता कर गुजरी, जुल्म के हर दरो दीवार हिला कर गुजरी, करबला शाम के रस्ते में बना कर गुजरी, यूं तो जोरे सितमे जोरो जफा रुक न सका, सर किसी मोड़ पे हिम्मत का मगर झुक न सका। ख्वातीनो हज़रात, हम हमेशा अपनी गुफ्तगू में ये तस्करा करते हैं कि जब हम मदीना जाते हैं तो मदीना से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, उसको खुदा हाफिज़ कहना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो लम्हात हैं, अब वो वक्त है जब मदीने वाले अब करबल में, करबल की ज़मीन पर डेरे डाल के बैठ गए हैं, और वो बीबियाँ, वो मुकद्दरात इस्मत, वो खानवादे रसूल अकरम के प्यारे प्यारे उस गुलशन के फूल, वो बच्चे, वो जवान, वो तमाम लोग अब इस लुटे पुटे काफ़िले को लेकर रुखसत कहने जा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम उन शहदाए करबला को। हर शो में ये जुमले बोलती हूँ कि बड़ी कठिन मुश्किल, बहुत ही मुश्किल मंजिल है, बहुत ही कठिन मरहला है। आइए ज़िया बतूल साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ये बताएं कि वो क्या लम्हात होंगे, वो क्या मंज़र होगा कि जब जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुजारी और यही दुआ की कि आखिरी दम तक मैं अपने भाई के साथ उसकी मदद करूँ, उसके साथ रहूँ, अब रुखसत का वक्त आ गया है, क्या कहेंगे? शहज़ादी ज़ैनब आलिया के लिए जिस तरह वो शब मुश्किल थी, जो 10 मुहर्रम की शब थी जिसमें जनाब सैयद फ़ातिमा जहरा का तमाम घराना लुट गया, लेकिन वो आबाद कर गया सेहने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बचा गया उस शरीयत को और बचा गया उस तौहीद को जो आज हम तक उनके सदक़े में पहुंची है। जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया जिस वक्त रात में बच्चों को जमा कर रही थी, पहरे दे रही थी, तो उस वक्त जो घोड़े दौड़ाए जा रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुश्ते मुबारक पर और उनकी जो लाशे को जो है वो पामाल किया जा रहा था, तो बीबी का एक जुमला है जो उन्होंने जनाब सैयदा फिज़ा से कहा, जनाब फिज़ा से कहती हैं कि अम्मा फिज़ा, ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं ये मेरे भाई की लाश पर नहीं, ये मेरे जिगर पे दौड़ रहे हैं, मेरे सीने पे दौड़ रहे हैं, इनकी एक एक सुम से, एक एक कदम से मुझे और मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी वालदा जनाब सैयदा फ़ातिमा जहरा को इस कदर दुख और अजियत पहुंच रही है कि कोई इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। और फिर जिस वक्त वहाँ से करबला से, अब देखें उनको लालच का ये आलम है उनका कि 10 मुहर्रम की शब को जब वो देर से उठा है इब्ने साद, तो उसने कहा कि बस अब फौरी रवानगी इख्तियार की जाए, इन बच्चों को उठाओ। और वो जो रात का मंज़र आपने बात की थी कि इन्होंने क्या जुल्म सितम नहीं किए, फिर उन बीबियों को बेकजाबा ऊँटों पर सवार किया गया, बेकजाबा सवारियों पर जिस पर ना महमल था, ना उसके आगे कोई पर्दा था और ना उस पर कोई बैठने की जगह थी, उन बच्चों को बांध कर बिठाया गया, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऊँट के ऊपर पुश्त पे ऐसे बांधा गया कि उनका सर के ऊपर इतना तौक था, बेड़ियों का वज़न इस कदर था कि इमाम सारे रास्ते में अपना सर जो है वो बुलंद नहीं कर सके, उन बेड़ियों के तौक के बोझ से झुके हुए थे। और फिर उनको भी ऊँट पे बांध दिया गया। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा कि हमें मक्तल से गुजारा जाए, हम एक बार आखिरी दफ़ा अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अपने शहदा की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो बीबी ने जो जुमला वहाँ आकर कहा था जिस वक्त मक्तल से गुजरी हैं, बीबी के हाथ बंधे हुए थे, पसे पुश्त बंधे हुए थे,
और वो रस्सियाँ जो सबको मिलाकर बांधी गई थी, जब एक हिलता था तो दूसरे को तकलीफ पहुँचती थी। बीबी ने अपने आप को नाका से गिराया और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर जो जुमला कहा था, उस वक्त तमाम मरसिया की तारीख जो है वो कुर्बान हो जाए कि बीबी उनके मसखशुदा लाशे को देख कर कहती हैं अल्लाह कि क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है, तू ही वो हुसैन है जिसे मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस पीस कर पाला। और जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा का वो जो नोहा है, वो जो मरसिया है और वो जो उनके अल्फाज हैं, वो देख कर दिल खून के आंसू रोता है कि बीबी कहती हैं कि मैं मौला कायनात की बेटी हूँ, लेकिन भाई आज इतनी गरीब हूँ कि कफन नहीं देखे जा सकती आपको, कि मशीयत की मर्जी यही है, मशीयत इज़्ज़ी माने हैं कि मैं आपको बेगौर कफन इस दश्त बयाबा में छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन जनाब सैयद ज़ैनब आलिया को जिन्होंने रस्सियों से बांधा था, जो ये समझते थे कि इसको पाबंद रसन करके लेके जा रहे हैं, वो ये बात नहीं जानते थे कि वो जो जनाब ज़ैनब आलिया को लेकर चले थे वो दरअसल यजीदियत अपनी बदकिस्मती के और अपने ख़ात्मे के रास्ते पर चली थी। यही जो वहाँ से पाबंद रसन होकर ऊँटों की पुश्तों पर बेकजावा ऊँटों पर सवार होकर जो सालार चली थी, तो ये फातह शाम बन गई। शाम आज भी जनाब सैयदा ज़ैनब का है, वो जनाब सैयद ज़ैनब का शाम कहलाता है, उस पूरे शाम की मालिक बन गई, फातह शाम बन गई, वो जो रस्सियों में बांध कर 11 मुहर्रम को वहां से ले जाई गई थी, क्या फिर फातह शाम बनकर तमाम कसरों अमारात जो थे उनके दरो दीवार को हिला गईं। ये बिनते अली मुर्तज़ा जब रास्ते में जा रही हैं, उनके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है कि पैगाम सब जगह ये दिया जा रहा है, जिन इलाकों से गुजरा जा रहा है, लोगों को इबरत दिखाने के लिए कि एक बागी ने खुरूज किया, ये कहा जा रहा था कि उनके सर हमने काट दिए और अब उन मुकद्दरात इस्मत को हम उनकी खवातीन को इस तरह कैद करके भेड़ बकरियों की तरह लेके जा रहे हैं, लेकिन बीबी जहाँ मौका मिलता था वहीं रुकती थी। और फिर जब कूफा के बाज़ार में पहुँची हैं, वहाँ पर जो शोर व गुल बरपा हुआ, जो उन औरतों को जब मालूम हुआ, बीबी ने क्योंकि ख़ुद अपना तारुफ करवाती हैं, बीबी हर जगह जाकर कहती हैं कि मैं तो अली मुर्तज़ा की बेटी हूँ, ये मेरा भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, ये इब्ने रसूल अल्लाह है जिसके ऊपर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान था। और फिर अपना नसब बयान करती हैं, अपना शजरा बयान करती हैं, और जब कूफा के बाज़ार में पहुँची, वहाँ इस कदर शोर व गुल बरपा हो गया जब बीबी ने अपना तारुफ करवाया और उन औरतों को पता चला कि ये तो सिप्ते पैगंबर का सर है और ये सब शोहदाए करबला जो हैं, ये तो खानवादा रिसालत है, तो बीबी ने इतनी बुलंद आवाज़ से उनको कहा कि खामोश, के जो ऊँटों के गलों में कहते हैं घंटियाँ बज रही थी वो भी खामोश हो गई जब वो आवाज़ हैदरी बुलंद हुई। और जब बीबी ने वो जो वहाँ खुतबा दिया, बीबी ने कहा कि वाय हो तुम पर, अफसोस है तुम्हारी मुनाफ़कत पर, तुम्हारे मकर व फरेब पर, तुम्हारे मर्द तो हमारे मर्दों को शहीद करें और तुम औरतें जो हो वो हम पर इस तरह गिरिया उजारी करती हो, इस मुनाफ़कत को छोड़ दो और सिरात मुस्तकीम से तुम हट चुके हो, तुमने हम पर जुल्म नहीं किया, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और तुम जल्द जान लोगे अपने जुल्म का अंजाम जिस वक्त तुम मेरे नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचोगे तो तुम देख लोगे और तुम क्या मुँह दिखाओगे उनको कि तुमने सिप्ते पैगंबर के साथ, तुमने इतरते रसूल के साथ क्या सलूक किया। और फिर बीबी ने उस आया मुबारका की तिलावत की कि मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे अजरे रिसालत सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत अतहार से मेरी मुद्दत रखो। तो बीबी ने कहा इस सवाल का क्या जवाब दोगे तुम वहाँ पर जाकर। और बीबी का वो खुतबा ऐसा था कि उसके बाद जो अहले कूफा थे वो धाड़े मार मार कर रोने लगे, सलाम हो मेरा उस शहजादी कौनैन पर कि जिन्होंने उस मुश्किल हालात में भी लहजाए हैदर कर्रार में यजीदियत को ऐसे ललकारा कि कूफा के दरो दीवार जो है वो बीबी की उस आवाज़ से, उस सिरात मुस्तकीम की पैरोकार के लहजे से लरजने लगे थे। आज के ज़माने में हम ये देखते हैं प्रोफेसर साहिबा, ये जो सितम जोरो सितम है, ये जोरो जफा होता रहा है, ये जुल्म सितम जो होता रहा है अहले बैत अतहार के साथ, तो ये मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ी रोशनी ज़रूर डालिए। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में याहिया माज़नी का मैं कॉल ज़रूर नक़ल करूँगी। वो ख़वातीन जो कहती हैं हम पर्दादार हैं और हम दीन के लिए बाहर नहीं निकल सकती, ये उनके लिए भी है, और वो जो दीन के लिए बाहर निकलती हैं और ताने सुनती हैं यहाँ उनके लिए भी मोटिवेशन है। वो कहता है कि मार आई तू लहा शख्सन वला समियत लहा सौतन, कि हमने
न कभी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के कदो कामत में उनके जिस्म पाक को देखा और न कभी उनकी आवाज़ सुनी। और फिर उसके बाद जिस कूफा की हम बात कर रहे हैं, जिस करबला की हम बात कर रहे हैं, जिस इब्ने ज़ियाद और यजीद के दरबारों के खुतबात की हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी दानिश में कहती हूँ खतीबा आलमीन अगर किसी खातून का टाइटल होता तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का टाइटल होता, जिन्होंने पूरे किरदारों को खोल के सियासत के वो जो एक मुदब्बराना आपका उस लेवल पर जाकर जो स्ट्रेटजी थी आपने धारा ही बदल दिया, रुख ही बदल दिया। वो जो अपने आप को जीत का जश्न मनाकर अपने आप को कह रहे थे हम फाते हैं, आपने उनको उस शिकस्त से दोचार किया कि ता कयामत अब वो कभी उठ नहीं पाएंगे और अब कभी वो अपनी जीत को जाहिर नहीं कर पाएंगे। और उसमें मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि आपके जो खुतबात हैं उनको सिर्फ हम बयान ना करें, बल्कि एक तो सबसे पहली बात यह कि औरत अपने आप को उस लेवल पर सब्र और इस्तकामत के उस लेवल पर लेकर जाए कि जहाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और मर्दों की कुर्बानियों का जहाँ सिलसिला खत्म हुआ वहाँ से आगे औरत की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी हुआ। और उस जारी आखिरी दम तक उसको जारी रखते हुए आपने इस्तकामत के साथ बातिल के सामने वो जिहाद किया कि जो मर्दों को भी बाज़ दफ़ा तौफीक नहीं होती। और अजब एक सिलसिला है खतीजा फातिमा ज़ैनब, अजब एक सिलसिला है खतीजा फातिमा ज़ैनब, वफा के बाब में सिदको सफ़ा के बाब में सब्रो रज़ा के बाब में, कैसा मुनव्वर रास्ता है खतीजा फातिमा ज़ैनब। खवातीन हज़रात रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे। क्या मिजाज था, क्या अंदाज था जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का कि जब उन्होंने दरबारे कूफे के दरबार में यानी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में जब तकरीर की है और पासा पलट दिया है, ये जो तमाम जंग हुई जो ये बताना चाह रहे थे कि नाऊज़ु बिल्लाह ये बागी हैं, किस तरह से उनके सामने उन्हीं को शिकस्त हासिल हुई। ख़वातीन हज़रात वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या शहदाए करबला। ख़वातीन हज़रात आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। आज तस्करा है इस प्रोग्राम में जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का, जो अपने बाप की भी जीनत हैं, बनके भाई की तरह साहिब मनसब उठीं, बनके भाई की तरह साहिब मनसब उठीं, अहले बेदाद के दिल कांप गए जब उठीं, याली कह के वो बिनते असद रब उठीं, हाथ थामे हुए सज्जाद का ज़ैनब उठीं, आज भी अज़्म शहे कुल्ला शिकन है मौजूद, बोली भाई तो नहीं पर ये बहन है मौजूद। ख़वातीन हज़रात करबल के मैदान और उसके बाद जिस तरह से ये काफ़िला कूफा व शाम की तरफ गया है और मुख्तलिफ मकामात पे जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने जिस तरह से लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ा है, ये अपनी मिसाल आप है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करबला में कुर्बानियाँ हो चुकी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार था वो हो चुका, अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ। मगर अगर ये किरदार ना होता जनाब बीबी ज़ैनब आलिया का, तो ये आज रहती दुनिया तक ये वाक़या, ये दास्तान, ये कुर्बानियाँ लोगों तक ना पहुँचती। आज कोई आँख अपनी आँख से आंसू ना बरसाती अगर जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का ये अहम तरीन और अजीम किरदार ना होता। आइए जानते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे साथ ज़िया बतूल साहिबा मौजूद हैं। ज़िया बतूल साहिबा, एक अहम तरीन किरदार जो मैं समझती हूँ कि इमाम हुसैन की कुर्बानी एक दिन की बहुत अजीम कुर्बानी, मगर जनाब ज़ैनब कुबरा ने ना सिर्फ उनके बच्चों को संभाला, इमामत को संभाला। इतना बड़ी जब कोई
मामला हो जाए, कोई सानहा हो जाए, कोई एट्रॉसिटी हो जाए, आप सोचें कि हम लोग देख के उस शौक से बाहर नहीं आ पाते। तो आप ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को ना सिर्फ हौसला दिया, बल्कि वो जो आज की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन से भी मे भी नहीं जाने दिया, और किस तरह से हौसला देते हुए वो हर किसी को अपने साथ लेकर चल रही। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि ये जो आज भी हर तरफ शम्में जली हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के नाम की, इसमें जनाब बीबी ज़ैनब आलिया का किरदार क्या अहमियत रखता है? यह आपका सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि जो वहाँ मारका था कर्बोबला में जो हुआ था, उसके बाद यजीद का मतमा नज़र यही था और यजीदियत का भी, कि अब ये चूँकि सहरा में हुआ ये ख़बर बाहर नहीं जाएगी। और जो नैरेटिव हमने लिया है कि ये एक तोबा नाउज़ुबिल्ला, ये एक बागी था, बागी ने खुरूज किया और हमने उसे तहत एक कर दिया, मर्दों को मार डाला और औरतों को हमने कैद कर लिया, लेकिन उस नैरेटिव को बदला किसने है? बदला है इस बिनते अली मुर्तज़ा जनाब ज़ैनब आलिया ने, कि वो जहाँ जहाँ पर भी रुकती थी, जैसे अगर जब उनको आबादियों से गुजारा जाता तो वो ऐसे बदबख्त थे कि ढोल ताशे बजाते और ऐलान करते कि एक बागी और उसके ख़ानदान का अंजाम देखो और सब जमा हो जाओ। अब वो जमा तो करते थे अपने लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, लोगों के दिलों पे दहशत बिठाने के लिए, बीबी उसी को इस्तेमाल करती थी शान रिसालत बताने के लिए, मकसद हुसैनियत बताने के लिए। बीबी अपना फ़ौरन हसब नसब बयान करती, तौहीद की बात करती और फिर बताती मकसद हुसैनियत के हम क्यों निकले थे। और जब बीबी ये कहती तो पांसा पलट जाता। तो बीबी जिस महाज पर रुकी उसको अपने नाम कर दी गई। और ये वो मुजाहिद हैं जिनके हाथ में तलवार नहीं है, जो मैदान जंग में हैं, लेकिन इस तरह से हैं कि वहां से निकली हैं निहत्ती, निकली हैं बेकजावा ऊंट पे, निकली हैं पाबंदे रसन निकली हैं, लेकिन फातेह शाम बन गई हैं आखिर। तो ये बीबी का सीरत व किरदार भी था कि बीबी ने अपनी नमाज शब कभी कजा नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हमें कॉल मिलता है कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी पुपी जनाब सैयदा ज़ैनब को कभी भी नमाज शब कजा करते नहीं देखा। हाँ, बस मैंने एक बार ये ज़रूर देखा कि वो इतनी नकाहत में थी कि उन्होंने नमाज शब खड़े होने की बजाय बैठ कर अदा की। तो ये वो साजिदा थी, वो आबिदा थी। एक तो अपने किरदार से वो शमें रोशन करती चली गई, फिर जब बीबी कूफा के बाज़ार से गुजरी, उनके खुतबे का मैंने जिक्र किया, इब्ने ज़ियाद से उनकी जब गुफ्तगु होती, आपने अभी बात की कि कितना बड़ा क्राइसिस था, औरतों के हवास कहा जाता है कि कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल वो उस सानहे से गुजरी थी कि जिसमें मर्द भी होता तो शायद उसके होंठों को भी चुप के ताले लग जाते, उसके दिल पर भी खौफ तारी हो जाता। लेकिन ये तो कल्बे मुर्तज़ा हैं, कल्बे मुस्तफ़ा हैं, इनके दिल पे कैसा खौफ कि ये अल्लाह की राह में निकले हुए शहीद थे और शहीदों की बहन थी। और बीबी का जो लहजा था वो ऐसा था कि ये खुद फिर अंगुश्त बदंदा हो जाते थे। इब्ने ज़ियाद ने जब वहाँ ये कहा कि क्या किया तुम्हारे मर्दों के साथ खुदा ने, और खुदा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और आज मेरा दिल इससे ठंडा हो गया, तो बीबी का जब्त जो था वो उस वक्त उसके बंद टूट गए और बीबी उठकर खड़ी हो गई। और जब बीबी वहाँ पे जब बैठी थी तो इसने उस वक्त भी बड़ी शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि ये जो कनीज़ों के हाले में बैठी है ये कौन है? तो बीबी की एक कनीज़ ने कहा कि ये ज़ैनब बिनते अली है। और फिर जब बीबी ने अपने खानवादे का बताया और जब बीबी ने कहा कि अल्लाह ने हमसे फस्क व फजूर को दूर कर दिया, अल्लाह ने हमसे हर तरह के रिज्स और पलीदी को दूर कर दिया, हम हैं वो आया तहीर की शान वाले, हमारा घर है वो घर जहाँ पर हदीस किसा का नज़ूल हुआ था। तो जब बीबी ने ऐसे उसको मुखातिब किया तो असल में तो उस वक्त ही बीबी ने उस दारुल अमारा की बुनियादों को हिला दिया था। और फिर बीबी पहली जाकिरा थी, जो पहली मजलिस की रिवायत थी, जब शाम में जाकर उनको अलहदा मकान दिया गया तो बीबी ने वहाँ इस तरीक़ाकार को इख्तियार किया कि शाम की खवातीन उनके पास आती, बीबी उनको करबला के वाकयात बताती, अपने घराने का मकाम बताती और मकसद हुसैनियत बताती। बीबी अगर ना होती तो वो जो सानहा हो गया था दश्ते करबला में वो कभी हम तक ना पहुंचता। ये 1400 साल बाद भी जो आज जिंदा है तो ये मोजज़ा है बिनते अली मुर्तज़ा का, जनाब ज़ैनब आलिया का, कि ये हम तक मौजूद है। और जनाब इफ्तिखार आरिफ ने क्या खूबसूरत लफ्ज़ों में बीबी को खराज तहसीन पेश किया है, उसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि वो कहते हैं कि करबला गवाही दे, करबला गवाही दे, फातिमा की बेटी ने बाप की शुजात को सब्र से बदल डाला,
बाप की शुजात को सब्र से बदल डाला, भाई की रफाकत का हक अदा किया कैसा, बाब शहर हिकमत से खेमा गाहे नुसरत तक, महजर शहादत तक कैसे कैसे नाम आए, क्या अजब मकाम आए, हक की पासदारी को फर्ज जानने वाले राह हक में काम आए। साथ साथ थी जैनब, देख रही थी जैनब, करबला गवाही दे, करबला गवाही दे, फिर वो शाम भी आई जब बहन अकेली थी, एक सफर हुआ अंजाम, एक सफर हुआ अंजाम, रेग गर्म मक्तल पर चंद बेकफन लाशें, भाइयों भतीजों के, गोदियों के, पालों के, साथ चलने वालों के, साथ देने वालों के, कुछ जले हुए खेमे, कुछ डरे हुए बच्चे, जिनका आसरा जैनब, जिनका हौसला जैनब, जिनका आसरा जैनब, जिनका हौसला जैनब, करबला गवाही दे, करबला गवाही दे, मशहद मुकद्दस से एक नया सफर आगाज, एक सफर हुआ अंजाम जिसकी एक मंजिल शाम, एक सफर हुआ अंजाम जिसकी एक मंजिल शाम, शाम शाम मजलूमी और वो खुतबा जैनब, शाम शाम मजलूमी और वो खुतबा ज़ैनब, फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया, फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया, इल्म की कहानी में दास्तां सराओं के हाशिए कहाँ तक हैं, मिंबर सलूनी के सिलसिले कहाँ तक हैं, सोचने लगी दुनिया मिंबर सलूनी के सिलसिले कहाँ तक हैं, खैर के तहफ्फुज़ पर घर लुटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं, क्या कहने, वक्त ने गवाही दी जबर के मुकाबिल में, अब ये लाइनें सुनने वाली हैं, क्या क्या कहने, वो कहते हैं कि वक्त ने गवाही दी जबर के मुकाबिल में, मुसफ़े शहादत का आखिरी वरक ज़ैनब, वक्त के जबर के मुकाबिल में, मुसफ़े शहादत का आखिरी वरक ज़ैनब, ये जो दर्द मुहकम है ये भी एक गवाही है, ये जो दर्द मुहकम है ये भी एक गवाही है, ये जो आंख पूर्णम है ये भी एक गवाही है, करबला गवाही दे, फातिमा की बेटी ने बाप की शुजात को सब्र से बदल डाला, करबला गवाही दे। मैं चाहूँगी दरबारी यजीद में जो बीबी की आमद है और जिस तरह से इंतज़ार करवाया गया और गुफ्तगू हुई, तकलीफ़ दे मरहलात हैं, मगर क्या करें, बयान करना भी ज़रूरी है। और मैं तो समझती हूँ कि बयान करना हम पे फ़र्ज़ है, बिल्कुल, चाहे आंसुओं की ज़ुबान से हो या टूटे फूटे अंदाज में, जो कि हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर शख्स, जैसे मैंने शुरू में बात की कि वो अपने ग्रुप को, अपनी पार्टी को, अपने कबीले को जाहिर करता है, तो हमारा इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं, और ये कलाम तो खतीब आलमीन का कलाम है कि जिनके बारे में किसी ने कहा था, हुसैन बन के जमाने पे छा गई ज़ैनब, ज़ुबाने तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब, कूफियों को ये कहना कि ए झूठो, ए मक्कारो, ए मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने खत लिख लिख कर हमें बुलाया था, किसने खोला उनके इस दोगले किरदार को, उनकी मुनाफिकत को, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। और आगे लिखते हैं, कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चराग दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब, और अली की याद को जिंदा किया जमाने में, जगह जगह पे जो खुतबे सुना गई ज़ैनब, और कसम खुदा की ये एहसान बिन्त ज़हरा है, बेशक कसम खुदा की ये एहसान बिन्त ज़हरा है, हमें हुसैन का मकसद बता गई ज़ैनब, और असीर हो गई दर दर फिरी जमाने में हुसैनियत को, मगर जगमगा गई ज़ैनब, आज ये हुसैनियत जो जगह जगह जगमगा रही है। मेरे नबी ने फरमाया था कि अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मुझे उस बादशाह का किस्सा याद आता है कि जब उसके सामने सारी फौज को तैयार करके और उसको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया और खड़ा होकर रोने लगा, तो उसके मसाइब ने कहा कि क्या हुआ बादशाह सलामत, क्या हमारी फौज की तैयारी, असलहे और इस्तेदाद में कोई कमी रह गई? कहने लगा, काश मेरे पास ये फौज 10 मुहर्रम को होती, मैं उस वक्त होता, मैं इमाम वक्त के साथ खड़ा होकर एक एक सिपाही उनके एक एक जानिसार पर कुर्बान करता। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन कुर्बानियों के बाद जिस इस्लाम को जिंदा रखा यजीद के दरबार के अंदर, उसने जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के होठों से छड़ी लगाई, उस वक्त भी खड़े होने वाली सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब सैयदना अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को
शहीद करने का इशारा किया, उनको बचाने वाली सैयदा ज़ैनब, और क्या फरमाती हैं? जब सरे हुसैन सामने लाया गया, फरमाती हैं, या हुसैना, या इब्ने फातिमा तज़्ज़हरा सैयदतुन निसाए बिनतिल मुस्तफ़ा। और जब ये कलिमात गूंजे लहजाए हैदरी में, तो तमाम दरबार यजीद में कोहराम मच गया, सब रोने लगे, और वो लईन उसी तरह बैठा रहा। फिर उसके बाद फरमाती हैं, अल्लाह के नाम से शुरू, दुरूद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज उनसे मोहब्बत करने वाले कभी आले रसूल पर दुरूद के बगैर अपनी नमाजों को भी मुकम्मल नहीं कर सकते। और फरमाती है, ये क्या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है जो इमाम अली मकाम अलैहि सलाम ने फरमाया था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बात नहीं कर सकता। फरमाती हैं कि शोमिये किस्मत के मुझ जैसी खातून को तुझ जैसे बदनिहाद के सामने खड़े होकर बात करनी पड़ रही है। क्या तेरा इंसाफ है कि तेरे हरम की बीवियां और औरतें तो अंदर पर्दे में और हरम में बैठी हैं, और जब नबी के खानदान की इस इफ्फत माब इस्मत माब मुखद्दरात इस्मत है, तूने उनको बेकजावा ऊँटों पर सवार किया, पाबर रसन किया, और आज वो बे चादर के तेरे दरबार में मुजरिमों की तरह लाए गए। तूने बागी कहा हमें, हम वो लोग हैं जिनके घर में वही उतरती थी। और मैं एक दो खुतबात आपके खुतबे के दो पॉइंट्स जरूर आज अपनी गुफ्तगू के आखिर में बतौर पैगाम देना चाहूंगी। आपने फरमाया, तू फतह और शिकस्त के मयार को पहचाना ही नहीं, तो बहुत जल्द जान लेगा कौन जीता और कौन हारा। और एक सजदाए हुसैन ने थोड़ी सी देर में जहां हर दौर के यजीद को गाली बना दिया, वहां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी साबित कर दिया। आपने फरमाया कि तू हमारा जिक्र मिटाने के दर पे है, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। आज जगह जगह जो अहले बैत अतहार का जिक्र होता है, जो हक की बात होती है, जो अजीमत के रास्ते के पैरोकार अपने हाथों में हक की मिशन लेकर निकलते हैं, ये खैरात है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन खुतबात की, आपकी उस जुर्रत की, आपके उस सब्र की, जिसको पूरी उम्मत के करोड़ों अरबों खरबों मुसलसल सलाम हो, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। अजरकुमिनल्लाह। जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा, आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, ज़ियाबतुल साहिबा बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह की बारगाह से आपको आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा हो, और अल्लाह हमेशा आपके और आपके आने वाली नस्ल के पर्दे सलामत रहें। ये दुआ है मेरी इस चैनल के ओनर्स और जितने लोग मेरे जितने भाई जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह सुबहान व तआला आप सब की इज़्ज़तें बुलंद फरमाए। और जो जब जुल्म का खंजर हुआ पेवस्ते रगे जा, जब जुल्म का खंजर हुआ पेवस्ते रगे जाँ, जब सो गए सहरा में शरीयत के हुदी खां, नेज़ों पे सजाए गए जब सब्र के कुरआन, आवाज़ दिले शेर जली बन गई ज़ैनब, आवाज़ दिले शेर जली बन गई ज़ैनब, इजहार शुजात में अली बन गई ज़ैनब, अब्बास के परचम को बड़ी धज से ढाला, अब्बास के परचम को बड़ी धज से संभाला, अब्बास के परचम को बड़ी धज से संभाला, लहजे को इमामत के खमों पेच में ढाला, जलते हुए खैमों से यतीमों को निकाला, यूं खूने शहीदा से रुख अज़्म उजाला, आई ये सदा आज से तू महवरे दी है, आई ये सदा आज से तू महवरे दी है, ज़ैनब तू शरीयत के लिए फतह मुबीन है। अस्सलामु अलैकी या नवासी रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकी या शरीकतुल हुसैन, अस्सलामु अलैकी या सानी ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आयशा बतूल से। जनाब ज़ैनब ने अपना सब कुछ रहे खुदा में लुटा दिया है। जनाब ज़ैनब ने अपना जहाँ में
न कर सके दिखा दिया है जनाब ज़ैनब अली की बेटी की देखो हिम्मत दिया है लाशों का जिसने पहरा अली के लहजे में बात करके यजीदियों को भगा दिया है अली के लहजे में बात कर ज़ैनब घरों से रोते जो कूफी निकले तो को ज़ैनब ने की मलामत घरों से रोते जो रोते रहोगे अब तुम ये खुतबाए हक सुना दिया है हमेशा रोते रहोगे अब तुम ये खुतबाए हक सुना ज़ैनब यज़ीद को जुर्म उसके साजिद गिना दिए उसके सामने हैं ना खौफ रखा यज़ीद को दिखा दिया है ना खौफ रखा यजीद को उसका असल चेहरा दिखा दिया है जनाब ज़ैनब जनाब सलाम लाखों के जिसने मोमिन को शान व गैरत के साथ जीना सिखा दिया है के जिसने मोमिन को शान व सिखा दिया है जनाब ज़ैनब ने अपना सब कुछ रहे खुदा में
लुटा दिया है जनाबे ज़ैनब। सलाम या हुसैन।